हाय गाइज, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको दो मुँह के बाल रिमूव करना बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हमारे दो मुँह के बाल हो जाते हैं। और पहले मैंने आपको सीज़र से करना बताया था, और मोस्टली सभी सीज़र से करते हैं, बट मैं इसमें रेज़र कॉम का यूज़ करूँगी। आप ही मेरे हाथ में देख रहे हो कि मैंने रेज़र कॉम लिया हुआ है, और इससे बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एक ही बार में क्लीन भी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसको तिरछा पकड़ेंगे, सीधा नहीं पकड़ेंगे बिल्कुल भी, इस तरीके से। और आप ये बाल देख सकते हो, इनके दो मुक्के कितने हैं। और इन हेयर पे मैंने कट भी दिखाया, आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल ऑल अबाउट हेयर पर देख सकते हो, बहुत सुंदर कट किया गया है। और ये पिक्स आप ऊपर देख सकते हो कट की, इस टाइप का। तो और इनकी लेंथ भी आप देख सकते हो। दो मुँह के बाल निकालेंगे तो बालों को बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे, सूखे बालों पर ही करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें लेंथ कितनी निकालनी है। बिल्कुल इतने डैमेज हेयर हैं तो मैं कटिंग भी करना बताऊँगी आपको। और हम इन्हें दो सेक्शन में बांट लेंगे, इस तरीके के दो सेक्शन कर लूँगी मैं आसानी से। और यहाँ से जब रेज़र कॉम लेंगे हम, तो हम रेज़र कॉम से सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रेट चलेंगे बिल्कुल। और आपके अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से लेंगे। और हम ये यूज़ करेंगे रेज़र कॉम, इसके अंदर दो ब्लेड लगे हुए हैं आप देख सकते हो, और ये हेयर लाइन का है। हम इसको इस तरीके से तिरछा रखेंगे बिल्कुल, और इस तरीके से हमारे जो भी दो मुँह के बाल हैं वो बिल्कुल उतर जाएंगे। ध्यान से चलाएंगे, फिर से पकड़ेंगे इसी तरीके से यहाँ से, और जहाँ पर आके आके आपके ज़्यादा बाल हैं तो फिर से अपना कॉम पकड़ेंगे, और इस तरीके से ब्लेड लगे हुए इसके अंदर दो बिल्कुल तिरछा रखेंगे, और इस तरीके से करेंगे। जहाँ पर आपके दो मुँह के बाल होंगे वहाँ पर आवाज़ आने लग जाएगी आपके हेयर में, आप जैसे ये सुन रहे हो। और आप ये देख सकते हो पूरे दो मुँह के हेयर निकलेंगे इस तरीके से, आप ये हेयर देख सकते हो इसमें, और ये हमारे क्लीन होते जाएंगे। फिर एक बार इन बालों को पकड़ के, क्योंकि हमारे फ्रंट साइड के ही रिमूव हुए हैं तो हमें वापस अपने बैक साइड के बाल निकालने हैं, हम इसे इस तरीके से टर्न कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल लेंथ एरिया तक क्लीन कर लेंगे आप ये देख रहे हो सारे बाल इसी तरीके से ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा। जहाँ पर आपको ज़्यादा लगेंगे तो आप अपनी कॉम को आसानी से चलाएंगे दोबारा। इनको साइड छोड़ेंगे, सेक्शन वाइज लेते जाएंगे बिल्कुल, और आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए। जब दो मुँह के बाल निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है। इसी तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से हमारे पूरे दो मुँह के बाल निकल जाएंगे। आप देख रहे हो इनमें, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कितने ज्यादा दो मुँह के बाल हैं बिल्कुल। ये इस तरीके से बहुत आसानी से निकलेंगे, सीजर से भी ज़्यादा आसानी से, बस आपको अच्छे से चलाना है रेजर। इससे जल्दी भी हो जाएंगे आपके, एक बार इस तरीके से करेंगे और फिर इस तरीके से। वैसे तो हमारे नीचे साइड बहुत कम बाल होते हैं, ज़्यादा दो मुँह के हमारे फ्रंट में ऊपर साइड ही होते हैं, क्योंकि धूप की किरणें वहीं पड़ती हैं। और दो मुँह के बाल आपको कम करने हैं तो ये सब करने के बाद, अपना प्रोसीजर करने के बाद सीरम लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर इस तरीके से करते जाएंगे, फिर से अपना सेक्शन लेंगे, अपनी कॉम को रखेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके ही चलाएंगे इस तरीके से। आप ये देख सकते हो आसानी से, आपको दिख जाएगा कि कितने खराब हेयर है और कितनी आसानी से निकल के आएंगे।
पूरे डैमेज हेयर निकल के आएंगे हमारे इस तरीके के, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको बिल्कुल भी इनमें दिखाई नहीं देंगे और हेयर में शाइनिंग भी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ऊपर के हेयर हमारे आसानी से निकलेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन पे। फ्रंट से ही ले लेंगे, इस तरीके से हमारे सारे निकल जाएंगे। अच्छे से हम इधर से भी चेक कर लेंगे जहाँ पर भी हमारा कटिंग शर्ट, जहाँ से भी हमारी कटिंग स्टार्ट हुई होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं इस टाइप के, तो वहाँ से एक बार अच्छे से चेक करेंगे। ये हमारा इस साइड का पूरा एरिया हो गया है, आप देख सकते हो थोड़े से भी नहीं दिखाई देंगे, और आप ये हेयर भी देख सकते हो कि कितने रफ और दो मुके हैं, बहुत आसानी से निकलेगा, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा इस टाइप का। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड का, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आप शाइनिंग भी दे सकते हो। मैंने लाइट सा यू कर दिया है बिल्कुल, और इसके बाद आप सीरम जरूर लगाएंगे, जियो की स्टिक्स कोई भी अपनी मनपसंद। लेजर कॉम का आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।